वैष्णो माता के दर्शन घर बैठे करना चाहते हो तो आइए वीडियो लास्ट तक देखिए, दर्शन करा दूंगा। भवन तक की चढ़ाई आप पैदल नहीं चल सकते हो तो कोई बात नहीं, आइए आपको पोनी और पालकी कहाँ मिलेंगी सब बता दूंगा। आप वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाने का सोच रहे हो तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगा। आप चाहते हो आपके ऊपर माता की कृपा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कृपा बने रहेगी। जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकलने वाले हैं, अभी सवेरे के बच्चे तकरीबन 5:30 दोस्तों अभी हम निकलने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए हैं तो माता का एक जयकारा तो बनता ही है, तो दोस्तों बोलिए जयकारा माँ शेरावालिका बोल साचे दरबार की जय। वो देखिए गाइस, मंदिर वहाँ ऊपर पहाड़ियों पर है, हम वहाँ तक की जर्नी अभी आपको बताएंगे कैसी होती है क्या होता है। तो अभी सुबह के बज चुके 5:30। तो गाइस ये देखिए हमारी गैंग यहाँ पे काठी ले रहे हैं हम चढ़ने के लिए। गाइस वहाँ ऊपर है माँ वैष्णो देवी का मंदिर, अभी बहुत चढ़ाई चढ़ना बाकी है, हमारा कारवा निकल चुका है माता के दर्शन के लिए। अभी ये भवन का रास्ता। सो गाइस ये देखिए यहाँ का नजारा, ये इतनी पहाड़ी हमें पूरी चढ़ के पार करना है और वहां तक के हम अभी देखते हैं हम कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे रोपवे भी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ दोस्तों हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है। हरबंदा साहब जी मिले हैं हमें यहाँ पे, हम लोग अभी बाण गंगा पे हैं। प्रतीक जी से हमारी मुलाकात हुई, प्रतीक जी महाराष्ट्र से हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनसे मिलके ये भी नहीं लग रहा कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस जन्म नहीं पिछले जन्म से भी हमारे मित्र हैं। और जो है वैष्णो देवी दर्शन के लिए इन्होंने हमें गाइड किया, बताया कि किस तरीके से जाना है, किस तरीके से दर्शन करने हैं, क्या सिस्टम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हेलो गाइस, चलिए फिर। सो गाइस अभी हम यहाँ पे फिस्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं, यहाँ पे चेकिंग होने जा रही है हमारी। ये नीचे फर्स्ट चेक पोस्ट है, ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का फर्स्ट चेक पोस्ट है। लाइन लगी हुई है, आगे बढ़ते ही हमें कुछ लोग यहाँ पर नाचते हुए दिखे तो हम भी हमारे पैरों को रोक ना सके और हमने भी वहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर लिया। डांस करने में हमें इतना आनंद आया कि आप तो हमारा आनंद देख ही सकते हो। गाइस यहाँ पे ऐसे जो श्रद्धालु होते हैं उनके लिए जो है वो ढोल ताशे और नगाड़े लेकर ऐसे ही वहाँ के जो प्रॉपर के जो लोग हैं वो थोड़ा बजाते हैं ताकि लोग ऐसा एंजॉय कर सकें।
तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे पालकी और घोड़ों के लिए जरा घूम रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही लूटने का काम चलता है, लोकल लोग बाहर से आए हुए लोगों को लूटते हैं यहाँ पे। सब रेस कर दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे घोड़े रहते हैं लेकिन पालकी वाले नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप दिन में अगर चढ़ते हो तो धूप की वजह से पालकी वाले भी थोड़ा नोक झोंक करते हैं, नहीं लेके जाते हैं। आना होगा आपको तो या तो सवेरे जल्दी अर्ली मॉर्निंग आना है या तो फिर रात में ठंडे मौसम में जाना है। ये गुलशन जी का लंगर लगा है यहाँ। देखिए आगा रेड कार्ड है लेकिन ये रेड कार्ड के हिसाब से दोस्तों कोई चलता नहीं है। प्रशासन द्वारा ये इतना लिखने के बावजूद भी जो यहाँ पे जो पालकी पित्तू वाले जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस की मांग करते हैं। आपके साथ भी ऐसा यहाँ पे हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप इन सब की शिकायत दर्ज कर सकते हो। बाद में आपका जो इनका जो पालकी पित्तू वालों का जो कार्ड होगा वो निष्कासित किया जाएगा। कहाँ जा रहे हो आप? हाँ कहाँ बैठे हो? कहाँ जा रहे हो? ऑकर में बैठे आप मंदिर में जा रहे हो? तो ये हमारा जो भांजा है इसे हमने अभी वॉकर में बिठा दिया है और ये जो छोटे बच्चे इनको वॉकर करा दिए है। देखिए देखिए गाइस यहाँ पे 1250 रुपए में यहाँ पे पर्ची फाड़ के लेके जा रहे हैं। बाकी जो थे वो लोग 2200-2500 ऐसा बोल रहे हैं, कुछ की कुछ मन गड़त। कोनी पालकी में तो प्रीपेड बुकिंग काउंटर है, यहाँ से ये लोग चार्जेस बोलते हैं उतना यहाँ पे एक पावती मिलती है उतने चार्जेस फाड़ने के बाद में भी ऊपर और पैसे मांगते हैं। तो अभी हमारा जो है वो पैदल सफ़र चालू हो चुका है। यहाँ से हमें टोटल जो है वो 12 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, तब जाके हम वैष्णो माता के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों बीच में 6 किलोमीटर पे जो है वो पहला पड़ाव आने वाला है, वहाँ पे अर्धकुंवारी का मंदिर है। तो देखते हैं दोस्तों अभी आगे हमारे साथ में क्या क्या होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ में, आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी दिखेगी। चलिए फिर दोस्तों अभी ये इच्छा पूर्ण माँ भगवती दर्शन है, मंदिर है यहाँ पे माँ भगवती का। हनुमान जी भी खड़े हैं यहाँ, माता पार्वती और शंकर। दोस्तों देखिए इच्छा पूर्ण माता के दर्शन होने के बाद अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यहाँ पे। अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं हमारे आगे की जर्नी के लिए। तो अभी हम और आगे निकल चुके हैं, ये देखिए पब्लिक यहाँ पे रुक के थोड़ा एंजॉय कर रही है। चलते हैं अपन आगे। दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि आप अगर धूप में आओगे तो साथ में अपने बहुत कम से कम सामान कैरी करना ताकि आपको चढ़ने में थोड़ी आसानी हो। और हाँ आपको यहाँ पे जो है वो देख सकते हो यहाँ पे जगह जगह पर दुकान वगैरह मिल सकती है, तो जहाँ से आपको पानी हो या कुछ खाने के लिए आपको सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये जो दुकान है ये 24 आवर्स तक के चालू रहते हैं, यानी आप रात में भी अगर ट्रैवल करोगे तो आपको यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस ज़्यादा सामान कैरी करना यहाँ पे कभी अनिवार्य नहीं है, आपको उससे दिक्कत ही होंगी। तो चलिए अभी आगे आओ मेरे साथ साथ। आगे जो है वो माता के जो प्रथम चरण है, यानी उनके जो चरणों के जो है वो मंदिर है। ये देखिए प्राचीन चरण पादुका मंदिर। ये मंदिर में माता जी जब आए थे और यहाँ से उन्होंने जब पीछे पलट मुड़कर देखा था तो उन्हें वहाँ पे जो माता के जो चरणों के ये है निशान वो पड़ गए थे, और वो जो है वो पुराने समय के निशान अभी तक के यहाँ पे रखे हुए हैं और उसी का ये मंदिर है गाइस। तो अभी यहाँ पे हम पहुँचते हैं और देखते हैं कि ये मंदिर का क्या है सीन और क्या नहीं। तो गाइस हमारे साथ में बने रहिएगा। और हाँ एक बात और, ये यहाँ पे जो है आगे फुट मसाज भी है, तो पहले हम मंदिर में दर्शन करके फिर मसाज वगैरह ले लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका पे आ चुके हैं। अभी हम मंदिर में जाके दर्शन ले लेते हैं चरण पादुका के।
गाइस देखिए माँ के प्राचीन पादुका रखे हुए चरण पादुका, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर सिर्फ 20 रुपीज में जो है वो 15 मिनट तक के फुट और बैक मसाज हो रही है। गाइस अभी पहले तो मैडम चेक कर रही है कि मसाज कैसे होने वाली है। तो गाइस अभी यहाँ पे हम जो हमारे जो पैरों पे जो दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम मसाज ले रहे हैं। देखिए मैडम आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा रिलैक्सेशन लग रहा है, अभी हम इतना चले तो अभी थोड़ा रिलैक्सेशन हो रहा है। अच्छा रिलैक्स हो रहा है आपके बारे से। ये मेरी माता जी, हम यहाँ पे बोल चुके जय माता दी। सो गाइस ये मेरे बड़े पप्पा और ये मेरी बड़ी माँ है। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो धूप का जो है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमें बहुत थकावट महसूस हो रही थी, जैसा कि आप देख ही सकते हो। वो तो अच्छा हुआ कि श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे जो है वो ये शेड्स बनाए हैं। वो दो उसके जो है वो दो यूज हो रहे हैं, जिसमें कि जो ऊपर से अगर कुछ लैंडस्लाइड्स हुई तो वो उससे भी बच सकते हैं, और साथ ही साथ जो श्रद्धालु है वो धूप से भी बचते हैं। गाइस सड़क 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 इसका कुछ भी हो सकता है। ये देखिए दोस्तों आज कुछ तूफानी करते हैं। ये देखिए वैष्णो देवी के रास्ते में माता के दर्शन के लिए बैठी है ये बकरी। ये भी देखिए ये पहाड़ी बकरी है दोस्तों, पहाड़ों में रहने वाली। सो दोस्तों ये देखिए कतरा का नजारा, यहाँ से पूरा कतरा नजर आता है। तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ आ चुके हैं और आधा भी नहीं हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे अंधकुआरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारी पहला मिशन सक्सेस हो चुका है। वेलकम टू अंधकुआरी सेक्टर। यहाँ पे 526 सीडियाज है यानी स्टेप्स। हमने घोड़ों से आना कैंसिल कर दिया, उनके ऊपर कहा ये करते थे जुलम, और हमारी माता इनको भी नहीं आना ही था घोड़े पे बैठ कर और ना ही पालकी पे। माता का दर्शन ही पैरों से ही करना चाहते थे। A few moments later. तो भाइयों अभी हम बहुत थक चुके थे, अभी हमने यहाँ से घोड़ा कर लिया, अभी हम माँ वैष्णो देवी के दरबार में एक घोड़े से जाएंगे अभी दोस्तों। तो चलिए आइए मेरे साथ में, बने रहिए। एक और फ्रॉड घोड़ा बोलकर हमें तो यहाँ पे पूंजी पे चढ़ाया जा रहा है। सो गाइस अभी हम निकले ये पूनी से, ये पूनी के लिए एक अलग रास्ता है। मैं और मेरा भाई हम दोनों निकल चुके हैं।
तो दिल तो एक हिस्से नहीं भी बो रहा है, लेकिन क्या करें। नहीं सो गाइस, ये देखो यहाँ पे ये जो पोनी है उनके पेशाब के लिए जगह है, यहाँ पे रुक के पेशाब करती है। देखिए अभी इसने पेशाब कर ली है, देखो देख। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। अर्धकुंवारी मंदिर दोस्तों, देखिए अर्धकुंवारी मंदिर, जय माता दी। गाइज यहाँ के जो घोड़े या पोनी होते हैं वो रोज ऊपर नीचे आ जाके इतने ट्रेन हो जाते हैं कि वो खुद ब खुद भी चलते, उन्हें डायरेक्शंस की कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन उनका जो मालिक होता है वो पीछे से पूछ तो पकड़ लेता है, उससे वो पीछे से क्या करते हैं वो हमें मालूम नहीं, लेकिन वो घोड़े को उससे शायद या पोनी को उससे उसी से ही वो कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे जो नीचे जो घोड़ों की लीद या फिर पेशाब या कुछ होता है तो उस पे से जो है वो घोड़ों के पर स्लिप होते हैं, तो उसी वजह से आप यहाँ पे अगर आओगे तो आप वो घोड़ों को ज़रा टाइटली पकड़ के रखिएगा, नहीं तो आप स्लिप होने की वजह से आपका अगर डिसबैलेंस हो गया तो आप गिर भी सकते हो। देखिए सब लोग उतर रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा माता के दर्शन के ऐसे आस लगी है कि मन अच्छा अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये वो पहाड़ियाँ थी जो छोटी दिख रही थी, अभी ये बड़ी हो गई थी। देखिए दोस्तों उठी खाओ, दोस्तों यहाँ पे हम रुकेंगे अभी, यहाँ पे इन घोड़ों को थोड़ा रेस्ट देंगे, ये चढ़ के थक चुके हैं, इनको थोड़ा खिलाई पिलाई करेंगे। हाँ दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप हो चुका है, ये देखिए बच्चे कैसे हमारे। दोस्तों अभी ये जो है हमारे जो गट्टू थे वो अभी खाना खाने रुके हैं, इनका खाना खाना होने के बाद में हम निकलेंगे। इन्हें क्या कुछ तो खाने को दिया है, यहाँ पे इनका वेटिंग होता है खाने के लिए, लंच ब्रेक घोड़ों का। चलो फिर अभी निकलने के बाद में मिलते हैं। चलो पोनी ने खाना खा लिया है और अभी हम दोस्तों निकल चुके माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, और माता रानी का जो दरबार है वो 6 से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक के वहाँ पे पूजा आरती होने जा रही है, उसी लिए वहाँ पे प्रवेश अभी बंद किया है, भक्तों को अभी वहाँ पे जाने में पाबंदी लगाई है। दोस्तों 8:30 बजे के बाद में ही हमारे दर्शन हो पाएंगे। देखते ही देखते शाम भी हो गई दोस्तों, सूरज ढल चुका है, मौसम सुहाना हो गया, माता की जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं हमें वैसा ही उतना ही मन में आनंद महसूस हो रहा है। और साथ ही साथ गाइस ऐसा लग रहा है कि हम क्यों
इस पोनी के ऊपर बैठे। अगर हम खुद से आ सकते थे या फिर हम पहले ही अगर हेलीकॉप्टर से हमारा जो राइड है वो बुक कर लेते थे तो हमें ये पोनी पर बैठने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती थी। अगर आप यहाँ पे आओगे तो पहले ही आप अपना जो है वो हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर लेना ताकि आपके साथ में ऐसा फीलिंग ना आए। तो उसके लिए जो है वो जो लिंक जो है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, साथ में ही जो पूरी इन्फॉर्मेशन होंगी तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा गाइस, आप जाके देख सकते हो। और हाँ, जिसने मेरा इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा वो भी जाके देख सकते हो, उसकी भी लिंक डाल दूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर गाइज आप मेरे अगर ये चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरे जो और ऐसा जो कंटेंट आने वाला है वो भी आपको देखने को मिले। जय माता दी, सारे बोलो प्रेम से बोलो। जय माता दी। दरबार देखिए, माता रानी का मंदिर है पहाड़ों के बीच। भवन में तो अभी आरती शुरू है तो हमें अभी यहाँ पे कुछ खाने का देखते हैं। वो देखिए गाइस, आपके आगे जो दिख रहा है वो फाइनली भवन है और यहाँ पे ही जो है वो माता के जो मंदिर है और गुफा से वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन अभी वहाँ पे जो है वो नई आने का और जाने का रास्ता यहाँ पे श्राइन बोर्ड ने बना लिया है। और गाइस यहाँ पे जो है वो माता वैष्णो देवी के जो तीन जो पिंड है उसमें एक माता महाकाली, एक माता महासरस्वती और एक जो है वो माता महालक्ष्मी है, जैसा कि आप आगे देख ही सकते हैं। माता के दर्शन पाकर जो दिन भर की जो थकान थी वो तो पूरी निकल ही गई और मन जो है वो पूरा तृप्त और शांत हो गया। लेकिन गाइस जब हम अभी वापस निकल गए तो बहुत बुरा भी लग रहा है कि माता के सिर्फ इतने ही क्षण भर में ही दर्शन ख़त्म हो गए। लेकिन गाइस अभी क्या है, अभी रात बहुत हो चुकी है और हम अभी वापस निकल के होटल पे पहुँचने वाले हैं। गाइज अभी हम होटल में जाकर देखेंगे अगर जमा तो घर वाली हम चाय बनाएंगे, क्योंकि आपकी जो चाय है वो पी के हमें उतना स्वाद नहीं आया है। तो देखते हैं अगर हुआ तो हम होटल पे जाकर चाय भी बनाएंगे। तेजस बिलेटेड बर्थडे बॉय,
तो तिकडे घेतला असेल